खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजे हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से, खाता हुआ खाता बुक। कहते हैं कि अगर हौसला हो तो हर मुश्किल को आसान किया जा सकता है, हौसला हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। ऐसा ही एक नजारा बरेली में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम साफिया जावेद है, जो अपने सपनों को पंख लगाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर हाई स्कूल की परीक्षाएं दे रही है। दरअसल साफिया पिछले 5 सालों से गंभीर रूप से बीमार हैं और बिना बाहरी मदद के सांस नहीं ले पाती हैं। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन के सहारे रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि साफिया ने बरेली के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हाई स्कूल का प्राइवेट फॉर्म भरा था और जब परीक्षा देने का वक्त आया तो उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी कि कैसे 3 घंटे परीक्षा ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे दे पाएगी। लेकिन घर वालों के हौसला देने के बाद उनमें परीक्षा देने की हिम्मत आई और उसने बीमारी को कमजोरी ना बताते हुए परीक्षा देने की ठान ली। जी मेरा नाम सफिया जावेद है। किस चीज का आपका एग्जाम था, कैसे एग्जाम दिया है? आज मेरा हाई स्कूल का एग्जाम था इंग्लिश का और आज बहुत ही अच्छा हुआ मेरा एग्जाम। जी मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है हर टाइम, इस वजह से मेरी ऑक्सीजन लगी रहती है हर वक्त। क्लास में जब एग्जाम देते हैं तो प्रिंटर लगा रहता है? जी हाँ। क्या हिम्मत हारी कभी लगा होगा कि ऑक्सीजन प्रिंटर लगा है, कैसे एग्जाम दें? जी कई बार अजीब भी लगा और हिम्मत भी टूटी, लेकिन मम्मी पापा और घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस बात। क्या बनना चाहते हैं? जी मैं तो मुझे अभी तक कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मेरी कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। साफिया के इस जज्बे का कायल कॉलेज प्रशासन ही नहीं पूरा शिक्षा विभाग हो गया है, इसलिए उन्हें शिक्षा विभाग की तरफ से हर तरह की सुविधा दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर मदद की जाती है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट UP तक।